बिलासपुर के स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवी में नई शिक्षा नीति पर आधारित राष्ट्रीय सेमिनार के समापन अवसर पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। दो दिवसीय इस सेमिनार में जहां देश भर से शिक्षाविद और कॉलेज छात्रों ने हिस्सा लिया, तो वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भविष्य में चुनौतियों सहित सहभागिता विषय पर चर्चा की गयी। घुमारवी पहुंचे तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों व युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनी तैयारियां मुकम्मल करने की बात कहते हुए प्रदेश के स्कूलों कॉलेजों सहित शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे 15 से 18 साल के बच्चों को स्वास्थ्य टीमों द्वारा वहीं पर वैक्सीनेट करने व शिमला मनाली सहित अपर हिमाचल क्षेत्र में जहां स्कूलों में छुट्टियां पड़ी है वहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर कोरोना का टीका लगाने की बात कही है। यहां तक अपने 15 साल से ऊपर की आयु के बच्चे जो नौजवान हैं उनके वैक्सीनेशन की बात की है। हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बना भारत वर्ष के अंदर जिसने जो है पूरा जो कोविड के जो टीकाकरण हुआ था उसमें प्रथम स्थान पर रहा है। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को जो है आदेश दे दिया है कि जो है जितने भी हमारे इस आयु वर्ग के लोग जो हमारे नौजवान हैं उन सबका वैक्सीनेशन किया जाए। उसमें से विभाग ने सारे खाका तैयार कर दिया है। हम जो है स्कूलों में जाके वैक्सीनेशन 3 तारीख के बाद करेंगे और जहाँ भी बच्चे इस कॉलेज में स्कूलों जो आयु के बच्चे हैं और सभी को जो है सभी लामबंद करके सभी का क्या कहते हैं आपका टीकाकरण करेंगे ताकि कोई व्यक्ति न छूटे। आज जो तीसरा बेबी हिमाचल पूरे इंडिया में पहुंच चुका है, हम उसे अभी तक हिमाचल प्रदेश से हम उससे दूर हैं। इसे जो है हमें जो है सभी को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सभी को जो है अपना टीकाकरण करें ताकि जो है कोविड हिमाचल प्रदेश में तीसरा लहर या ना पहुँचे। स्कूलों में भी भेजी जाएगी टीमें ताकि बच्चों को स्कूलों में ही वैक्सीन की लगाई जाए। हाँ, ऐसे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को कहा गया कि सभी जो इस तरह से योजना बनाई जाए कि सभी को जो है कोई व्यक्ति कोई हमारा जो नौजवान से न छूटे। स्कूल की जो छुट्टियां हैं इनको आगे के लिए स्थानांतरित किया जाएगा कि 3 तारीख से पड़ेगी छुट्टियां तो पड़ी है उसमें हो सकता है घर घर जाके करेंगे सभी पर सभी पर जो भी नौजवान है इस आयु के स्कूल में चाहे कॉलेज में सभी का जो है टीकाकरण किया जाएगा। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का जो है ये बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश में नहीं पहुंचा है और जिस तरह से हम जानते हैं कि बाहर से बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, हमें सावधानी रखना पड़ेगा। मास्क सभी को कहा जाए कंपलसरी किया जाए और जो सरकार ने भी कहा है जो SOPs कहा गया उस SOPs को जो है उसको हम लागू करें और हमें भी थोड़ा अपने घरों से थोड़ा बाहर कम निकले क्योंकि ये तीसरा जो वेव है क्योंकि ये बड़ा हमारे लिए खाने का हानिकारक देगा। ऐसे में सभी से अपील करना चाहूँगा कि जो है हम SOPs का विशेष ध्यान रखें, SOPs के अंतर्गत हम चलें ताकि जो है तीसरा वेव हिमाचल में ना पहुंचे। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। मैं मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से सभी देशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि इस कोरोना काल से जिस किसी का भी जो पिछले वर्ष में नुकसान हुआ है उस नुकसान से हम बाहर निकलते हुए नए वर्ष में सभी एक नई जोश के साथ आगे आएं और इस कोरोना काल से बाहर आते हुए अपनी फिर से अपनी लाइफ को एक सही पटरी पर लाते हुए आगे बढ़ें। तो सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।